हाय व्यूवर्स, वेलकम टू शिवाना यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा। उसके लिए हम सबसे पहले दो बॉयल हुए आलू लेंगे, इनको मैश कर लेंगे, थोड़ा रफली सा मैश करेंगे ताकि इसमें थोड़े बड़े बड़े टुकड़े भी रहें। अब हम इन मैश्ड आलू में 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें दादर मिर्चे डालेंगे, 1 पिंच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ दरदरा सा ज़ीरा, 1/4 खुश धनिया पाउडर, 1 पिंच पिसी हुई काली मिर्ची, बारीक कटा हुआ थोड़ा सा चॉप्ड प्याज, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई शामिल करेंगे। चॉपी हुई प्याज और हरी मिर्च शामिल करने के बाद 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल करेंगे, 1/2 लेमन स्क्वीज करेंगे, 1 टेबलस्पून मायोनीज शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग रेडी है। एक दूसरा बाउल लेंगे। अब उसमें 1/4 कप मैदा शामिल करेंगे, 1/4 कप बेसन शामिल करेंगे, 1/4 इस दादर मिर्ची, 1/4 नमक, 1/4 नमक और दादर मिर्ची 1/4 शामिल करने के बाद 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे, 2 स्पून दही शामिल करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पेस्ट रेडी कर लेंगे। पेस्ट को ना बहुत गाढ़ा रखेंगे ना बहुत पतला। बैटर को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ब्रेड का पीस लेंगे, 1 स्पून हरी चटनी डालेंगे, स्लाइस पे हरी चटनी को अप्लाई कर लेंगे। अब रेडी किया हुआ बैटर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जो कि आसानी से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें, जो आसानी से प्रेस हो जाएगा। मैंने सेम उसी मेथड से 2 ब्रेड रेडी कर ली हैं। बैटर जो कि मैंने बड़ी डिश में ट्रांसफ़र कर लिया था, दूसरी जानी पैन में कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। अब ब्रेड का एक पीस लेंगे, डिप करेंगे, चारों साइड से अच्छे से कोट कर लेंगे। पहले से हीट किए हुए ऑयल में डालेंगे। जिस साइड पे हमने मिक्सचर लगाया है उस साइड को नीचे रखेंगे और सादा साइड को हम ऊपर रखेंगे। एक साइड से पहले इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, 1 मिनट अच्छे से इस साइड से होने देंगे। अब हम इसकी साइड पलट लेंगे, दूसरी साइड से भी 1 मिनट फ्राई होने देंगे। दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ गया, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब दूसरे को भी फ्राई कर लेंगे। दूसरा पीस भी रेडी हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं। लुक वाइज देखें ये कितने खूबसूरत बन के रेडी होते हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए हम एक पीस लेंगे, एक कॉर्नर से कट करते हुए इसको दूसरे कॉर्नर पर ले जाएंगे, इसी तरह से दूसरे कॉर्नर से कट करते हुए इसको दूसरे कॉर्नर तक ले जाएंगे। यानी एक ब्रेड से हम 4 पीसेस के रेडी कर लेंगे। दो ब्रेड से हम 8 पीसेस के रेडी कर लेंगे। ब्रेड के मज़ेदार पकौड़े बनके रेडी हैं। 2 ब्रेड से 8 पीस ये बनके रेडी हैं। मस्ट ट्राई दिस इजीएस्ट रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मस्ट ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।